हेलो गाइस, केपी और केपी 0004 में आपका स्वागत है। तो भाई आज आप देख रहे हो गाड़ी कौन सी है, दूसरी एक्सीडेंट लाया हूँ वो भी कैब नंबर में। भाई एक्चुअली दोनों भाई हैं, अविनाश भाई की गाड़ी है। तो क्या हाल है भाई? एकदम बढ़िया भाई, आप कैसे हो? भाई बहुत बढ़िया। तो भाई गाड़ी के पहले तो टायर देखो कितने बाहर निकल रखे हैं, बाकी और भी बहुत कुछ काम रखा है। थोड़ी हिंट दे देते हैं, एग्जॉस्ट कितने का भाई इसका? भाई एग्जॉस्ट इसका 130,000 के आसपास। भाई और कौन सी कंपनी का है? बोर्ला। तो भाई अब तो भाई अब वीडियो में बने रहो, और हिंट दे दी मैंने आपको, अब देखते रहो भाई क्या हो रखा है, क्या क्या नहीं हो रखा। भाई क्या क्या काम हो रखा है बाहर से? ये मैंने मैक्स ग्रिल लगवाई हुई है। हाँ जी, ये टाइप ऑफ आरएस ग्रिल लग रही है। हाँ, और आपका ये स्पीकर लगवाए हुए हैं। हाँ जी, बाकी इसमें आउटलाइनिंग हो रखी है। हाँ, प्लस इसमें ये कंपनी से आते नहीं है, मैंने फॉग लैंप इसमें इंस्टॉल करवाए हुए हैं। हाँ जी हाँ जी, बाकी अलॉय की बाद में दिखाएंगे हम, पहले ये दिखाते हैं। तो इसमें कार्बन फाइबर फिनिश दे रखी है आपने। हाँ जी, बाकी और क्या क्या हो रखा है? पीछे स्पॉइलर लगाया हुआ है। हाँ जी हाँ जी, ये स्मोक्ड है। हाँ, बाकी एग्जॉस्ट है या टिप है? एग्जॉस्ट है, लगा हुआ है इसमें। वेल्वेट्रॉनिक स्ट्रेट पाइप? ये वेल्वेट्रॉनिक है। वेल्वेट्रॉनिक है। तो भाई ये सब बाहर से रखा है। अब आते हैं अपनी अलॉयज की बात करते हैं। तो भाई ये कौन सी है, कौन से अलॉय है ये? 15 इंची है, ड्यूब डैश। हाँ जी, तो इसमें वैसे कौन से कितने इंची आते थे? बेस मॉडल आती है वो 14 आते हैं। हाँ जी हाँ जी, पहले भी मैंने इसमें व्हील चेंज करवाए हुए थे। हाँ जी हाँ जी, 14 इंच लगवाए हुए थे। हाँ जी, फिर मैंने चेंज करवा के अभी रिसेंटली। भाई बहुत तगड़े लुक आ रहे हैं इसमें। बाकी क्या कुछ कॉस्टिंग आ गई थी टायर के साथ इसको, इसकी 70 के आसपास पड़ेगा टायर के साथ। हाँ। टायर कौन सी कंपनी का? ये योकोहामा। योकोहामा, तो मतलब टायर भी लोकल नहीं लगवाया आपने। हाँ। तो क्या कुछ माइलेज निकल रही है? माइलेज में 10-15 का फर्क आता है इससे ज्यादा का। तो ये सीएनजी पे है या नॉन सीएनजी? ये सीएनजी है। वो तो ऑब्वियसली बात है, अगर कैब है तो है उतनी है। भाई ऐसी मॉडिफिकेशंस करवा के आप कैब में चलाते भी हो? चलती है गाड़ी, चलती है गाड़ी, कैब में चलती है। कोई पुलिस वाला मतलब दिक्कत नहीं देता? दिक्कत तो अब क्या ही बताए, आती है क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ ये जो टायर है कुछ ज़्यादा ही बाहर है, तो इस वजह से आती होगी दिक्कत। और ये फेंडर पे अड़ते वगैरह नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये इसी, ये इसके लिए बहुत मतलब सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मेन क्या है ना, इतने बड़े व्हील लगने के बाद बहुत इजीली ना टायर अड़ने लग जाता है। हाँ जी हाँ जी, तो मैंने इसके स्प्रिंग भी चेंज करवाए हैं इसमें। अच्छा अच्छा, 5-6 जने भी पीछे बैठाओगे ना, जब भी नहीं तो होगा भी ये टच नहीं होंगे। तो मतलब आपने खर्च रखे हैं पैसे गाड़ी पे। हाँ, बिल्कुल। बाकी भाई आगे आगे काटने वाटने में कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बाहर से इतना ही था या और भी कुछ रह रखा है जो हमने मिस कर दिया? तो एक बार इंटीरियर में आ जाते हैं, इंटीरियर में देखते हैं क्या क्या हो रखा है क्या। तो भाई एक बार देखो तो सही, भाई इंटीरियर खोलते ही भाई सबसे पहले देखो क्या दिख रहा है। भाई ने मतलब मोटा पैसा खर्च रखा है भाई, क्या बात। आ जाओ अंदर आ जाओ। तो भाई इंटीरियर में आ चुके हैं, तो पहले तो बात करें क्या क्या कर रखा है इंटीरियर में। इंटीरियर में भाई ये मैंने लैवेंडर करवाया हुआ है। हाँ जी जी, ये देखा है पहले कलर? देखा है भाई, आज तक तो नहीं देखा मैंने ये, इसीलिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंट चूज किया है। हाँ जी हाँ जी, येलो ग्रीन पर्पल बहुत देख लिया मैंने, बट ये लैवेंडर मेरे को पसंद आया था। हाँ जी हाँ जी, मैंने लैवेंडर करवाया है, प्लस इसमें ये पीच कलर में होता है पूरा। हाँ जी हाँ जी, देखा मैंने, वो आपने ब्लैक करवा दिया, करवाया हुआ है। हाँ जी, तो पावर विंडो आपने बाहर से इंस्टॉल करवाया? इसमें इंस्टॉल करवाई है क्योंकि बेस मॉडल थी, तो मैंने चारों पावर विंडो करवाई हुई है इसमें। हाँ जी हाँ जी, बाकी अंदर से बस इतना ही हो रखा है। और म्यूजिक सिस्टम वगैरह में क्या क्या लग रखा है? सिस्टम में मैंने इसमें फोकल के 4 कंपोनेंट्स डाले हुए हैं। हाँ जी, प्लस इसमें मैंने इन्फिनिटी का इंक्लूजर लगवाया हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो क्या कुछ पड़ गई थी कॉस्टिंग उसकी? कॉस्टिंग करीबन टोटल मेरा 30,000 रुपए के आसपास आया था। मतलब भाई देख रहे हो, हाँ जी भाई, शौक देख रहे हो, कैब भाई बेसिक कैब है, लेकिन शौक है भाई बस इसको ही कर दिया मॉडिफाई। तो कोई पर्सनल और भी कोई गाड़ी है इसके अलावा? इसके अलावा मेरे पास 2 गाड़ियां और हैं। तो वो प्राइवेट नंबर है या कैब में है? प्राइवेट है मेरे पास, डिजायर है एक्चुअली, मैंने काम उसमें ही स्टार्ट किया था अपना मॉडिफिकेशन का, वो भी मैंने सबसे पहली गाड़ी है जो मैंने इंटीरियर येलो करवाया था, उसमें अलॉय भी लगाए थे। तो अभी मॉडिफाइड है वो? हाँ मॉडिफाइड है, बट वो गाड़ी मेरे को ना एक्चुअली कंफर्टेबल नहीं है चलाने में, मतलब फील नहीं आता है कि कोई गाड़ी चला रहे हैं, इसको मजा, इसका मजा अलग है। हाँ जी हाँ जी, इसलिए फिर वो उसमें डिसकंटिन्यू कर दिया उसको, अभी उतना ही करवा के रुकी हुई है गाड़ी। ओके ओके, तो एक बार मेरे को फोटो शेयर कर देना, मैं यहाँ पे दिखा दूंगा कैसी है वो कैसी नहीं। बाकी एक बार म्यूजिक सिस्टम सुना देते हैं इसका। तो भाई एक बार गाना सुन लो, आउटपुट वगैरह सुन लो कैसा है, कैसा कुछ नहीं। Yeah.
भाई आउटपुट आपने सुनी लिया तो भाई बहुत सही है, मतलब ज्यादा लाउड भी नहीं कह सकते और ज्यादा कम भी नहीं कह सकते, ज्यादा शौक पूरा होता है इससे बाकी ना कस्टमर्स को कोई दिक्कत आएगी इससे। इस बेसिकली क्या है ना, कस्टमर का लगेज भी रखना होता है। हाँ जी हाँ जी। तो मैंने लगेज के हिसाब से बूफर ऐसा बनवाया हुआ है, रखवाया हुआ वो छोटे वाला जो बूफर होता है कि दिक्कत ना हो। फ्लैट बूफर है आपको मैं दिखाऊंगा, आपको तो बूफर ही नहीं दिखेगा कि बूफर है भी गाड़ी। अच्छा अच्छा, तो कंपनी फिट चेंज ही है आफ्टर मार्केट? ये कंपनी फिटेड है, कंपनी फिट भी ऐसे ही देती है कंपनी। हाँ ये तो गलत बात है। क्यों ऐसे यार, जो मारुति देती है एकदम मीटर में, वो जो आजकल की ऑरा वगैरह में आ रही है। नहीं वो टच है आपका। अच्छा अच्छा टच है। तो बाकी एग्जॉस्ट सुना है एक बारी? एग्जॉस्ट सुनाते हैं बिल्कुल। आ जाओ भाई, तो एक बार एग्जॉस्ट सुना है। तो भाई एग्जॉस्ट सुनाते हैं, पहले ऑफ में सुना दो एक बार भाई। अब एक बार ऑन कर दो। ऐसी कुछ एग्जॉस्ट नोट वगैरह था भाई, लाउड है अच्छा खासा। तो क्या कुछ खर्चा आ गया था आपका एग्जॉस्ट में? भाई इस गाड़ी में सबसे महंगा जो है वो एग्जॉस्ट ही है। कितने का लग गया था? एग्जॉस्ट ही 1,35,000 रुपए का। 1,35,000 का भाई, तो बहुत ज्यादा महंगा हो गया। तो कहाँ से लगवाया था ये? ये मैंने साइलेंसर के रास्ते लगवाया। अच्छा अच्छा, तो भाई 1,35,000 के हिसाब से भाई फिर आवाज भी वैसी है इसकी, बहुत ज्यादा लाउड है भाई ये। तो भाई आपने वीडियो देखी, कमेंट करके बताना गाड़ी कैसी लगी कैसी नहीं लगी भाई। ऑब्वियसली बात अच्छी लगी कि भाई लोगों। तो भाई यहीं तक की थी आज की वीडियो भाई। कोई इंस्टा आईडी या कुछ यूट्यूब चैनल? भाई मेरा यूट्यूब चैनल एक्चुअली वही है, सैक्रो माफिया। सैक्रो माफिया नाम से भाई का चैनल है। मैंने नंबर आपको पिछले वीडियो में डिस्प्ले कर ही दिया था भाई का, बाकी इस वीडियो में करने की जरूरत है नंबर? नहीं नहीं जरूरत नहीं है। हाँ एक ही है भाई, सेम ही भाई होगी, सगे भाई होगी। यहीं तक की थी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और KP 0004 को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो गाइस बाय।